प्रदेश के सोनभद्र के घोरावल तहसील क्षेत्र के भैंसवार गांव में नकहर नदी पर बनी पुलिया भरभराकर ढह गई, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। वहीं रोजमर्रा काम पर आने वाले लोग भी, स्कूली बच्चे भी प्रभावित हुए। जिले में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ भैंसवार सरंगा मार्ग पर नहर नदी में 20 साल पहले करीब 30 लाख रुपए की लागत से इस पुलिया का निर्माण हुआ था। पुलिया निर्माण में मकानों की अनदेखी की गई थी। 2 महीने पहले भी पुलिया का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था। ज्यादा बारिश की वजह से पुलिया भरभरा कर गिर गई। ये पुल लगभग 1-1.5 महीने का क्षतिग्रस्त हुआ था। पहला पिलर जो था इसका टूट चुका था। सूचना भी दी गई थी जेई को और लोगों को भी सूचना दी गई थी, लेकिन काम पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। आज बाढ़ आ गया और जो बाकी दस्ती था वो भी टूट गया। जो इसमें कार्य हो रहा है फिलहाल में, उसमें नंबर दो काम हो रहा है नंबर दो काम। उसमें सीमेंट और इतना कम दिया जा रहा है, केवल बालू से ही तोड़िया हो रहा है, क्योंकि बढ़ रहा था। मौके घूमने आया था, सबका मुआयना किया था। शासन प्रशासन कोई पता ही नहीं है कि पुल कैसे बन रहा है। ठेकेदार भी सब ऐसे है कि लूट घसोट का खत्म कर। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, यहाँ खबर सामने आ रही है जहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है वहाँ पर? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र में भैंसवार गांव में नकहर नदी के पुल टूट जाने से वहाँ का आवागमन बाधित हो गया है। अभी स्थिति वैसे ही बनी हुई है, अभी तक अभी कोई प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुंचे नहीं है। अरविंद, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आम लोगों का जो संपर्क है टूट गया है पूरी तरीके से, तो ऐसे में वहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्या संज्ञान में लिया गया है ये मामला? दरअसल आपको बता दें कि वो पुल का कुछ खंभा 1 महीने पहले से ही क्षतिग्रस्त था, जिसको लेके लोगों वहाँ के लोगों ने पहले भी अवगत कराया था, लेकिन इस पे प्रशासन की लापरवाही कर लीजिए कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज जब भारी बरसात होने लगी तो उस बरसात में टूट गया। और प्रशासन का अभी कोई वहाँ के लोग वहाँ प्रशासन के लोग अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं है, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है। जी अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।